अरे बिहारी, हाँ फ्री हो? हाँ फ्री है। अरे यार चना काट दे हमारे। कितने दे हो? 300 ले लिए, 300 की चल रही मजूरी। रहन दे, तो ठीक है 350। बता तो फिर कब से काटने? अब भाई काटने लगो। ठीक है चले। अरे क्या कर रहे थे तू? इन्हें ना कही थी कि चना काटो, तो चना काट रहा है। कल तो यार अद्दा ही हो गई यार। हम मोबाइल ले रहा ना, सो हम पूरे घर में मोबाइल की तार जला के मोबाइल ढूंढ रहे हैं। पागल इंसान। लेकिन फिर मोबाइल तो मिल गया हो? मिल गया तो? हाँ मिल गया तो। जो अच्छा वो मोबाइल मिल गया। ठार इन हवाओं से क्या दे कि अपनी औकात में रहे। कल हमारी बनी आने उड़ गई नहीं यार, दो दिन पहले ही पाएगी उड़ गई। दुख होते हैं वो नहीं नहीं ले आए तो बावड़ गई। जाकू डियर पेरेंट्स, अगर आपकी बेटी का फोन साइलेंट रहने लग जाए तो समझ जाइए दामाद जी ढूंढे जा चुके हैं। चलिए धन्यवाद। सुनो तुम्हें चाय बना वो आते है? आज तो नहीं है, लेकिन हम आपके लाने ट्राई कर सकते हैं। ठीक है तो बना ले आओ। अरे यार लेकिन नमक तो खत्म ही होगा। शक्कर तो है? हाँ शक्कर रखी है। तो भजिया बना ले आओ। हाँ ठीक है, तो हम अभी भजिया बना के ले आओ। बताई मोरी ऐसी लोग आई घरे बांध गई। लड़की हंसी तो फंसी गलत है, क्योंकि जब लड़कियां हंसती है ना तो फंसते लड़के हैं मेरी जान। हाँ नहीं तो यार तुम दारू काय पिया थो यार? कैसे हम आए घर को ने घर से निकाल दो। घर को ने काय निकाल दो? कैसे हम दारू पिया थे। भगवान को दो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पैसा है, मोबाइल है, टीवी है, घर में पंखा है, बस कमी है तो जो गाना गावे की। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। ब्याह को ना मोणी मोणो को खेल लो, लेकिन खेलो मोणी मोणो के लाने जाते। अगर आपके लाने दुनिया में परिवर्तन ले आने हैं तो ब्याह के पहले ही ले आओ। कैसे ब्याह के बाद तो तुम बाजार से सब्जी की थैली ही बस ले आते हो। आधा किलो भटा, एक किलो टमाटर, प्याज, मूंगिया जरूर ले आना पड़ेगा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखियो। कौन सी बात थी रे? क्या है डायरी में लिख नहीं पाया यार, सॉरी। कल आ है जैसे ही ध्यान तो हम दौड़ के आए आप और बतावे। ठीक है बाकी अब आप और कहाँ बैठ के जब देख रहे हो जो कमेंट में बताओ। ठीक है और आपके अंदर कोई बात हुई तो वह बता दे कमेंट में। ठीक है कहाँ से देख रहे हो? अगर तुम दिल्ली से देख रहे हो, हाँ सोनू भैया दिल्ली से देख रहे हैं, हाँ चुन्नू भैया जबलपुर से, हाँ तो आप भी बता दे। ठीक है हम सबकी कमेंट पढ़ रहे घर जाके। बताओ तो फिर आज का खाना तो तुम खिला दो। कोहे जा
और अपन की लाने ऐसे काहे दिख रही है कि दो ही जनों को हैं? आए पागल मोड़ी जाए पागल यार बामा गांव की पागल आए पागल आओ खतरा मारा थे यार बा ए, तो फिर चलो अपन भग चलिए नहीं तो अपन को मारते हैं। अरे सबको नहीं मारा मोड़ियों में मारा थे मोड़ियों को तो फिर हम कल खा ले खाना हम जा रहे हैं नहीं रुको हम तेरे कल कल अपन मिले अपन कल मिले बाबू बाबू तुम अच्छी आ गई बाबू वो पागल हती हमारे पीछे पड़ गई थी हमें इतना बिठा नहीं थी कही थी भागो सो मर दे पागल और पागल तो आती जब तो मैं ऐसी भाग गई और तो तुम अच्छी आ गई अब हमें लो आ चलो हमें डर लग रहा हो अरे कुछ जन कैसी कैसी बात कर रही थी चलो चलो, चलो, चलो। तो पता नहीं कैसे लग रहा घर चलिए हाँ खाना तो नहीं खाने नहीं घर से दूर रहकर माँ समझ आती है और नौकरी करने पे बाप लेकिन बीवी कभी समझ नहीं आती यार भाई कछु ऐसा उपाय नहीं है यार के मतलब जिंदगी में ब्याह न करवाने पर सुखमय जिंदगी कटे देखो देखो भाई करता है उपाय अरे ये धना मना इकट्ठे कर दें बाद में पहले पहले आओ उपाय कर ली अरे अबे उम्र कितनी है खेल भी कितना है घरवारी बहुत मासूम होत है क्यूट होत है प्यारी होत है देखभाल करवे वारी भी होत है दूसरे की तुम का सोचे थे खुद की अरे कितनी गलत सोच है मतलब हमारी संगत में फिर भी तुम्हारों की सोच नहीं बदली है कितने गलत सोच रहा तुम और वो पूछना ये था दोस्तों जिस इंसान में कोई कमी ना हो क्या हम उसे कमी ना कह सकते हैं डॉक्टर साहब हमारे भैया को बचा ले प्लीज घबराइए मत मैं यहाँ का बेस्ट डॉक्टर हूँ अच्छी पापी आदमी इसने छींक दिया मैं नहीं करने वाला ऑपरेशन ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब कैसे इन्हें छींक दिया है अब जो हो गया तुम्हारे भाई की मौत को जिम्मेदार है पता आशीष जब होंठ से होंठ मिला थे यार यानी बात है ना करू करे मैं शर्म लगा थे है चुप मुंह बंद होते उल्टी सोच रखने हमेशा है अच्छा खासा खटा था बालकनी में फिर एक कुत्ती दिखी चार कुत्तों के साथ और मुझे उसकी याद आ गई का यार दारू की बोतल पे साफ साफ लिखो रे खतरा फिर भी यार आदमी पियत हाँ तो अपने तो सब खतरों के खिलाड़ी हैं अच्छा खासा दूध लेने जा रहा था रास्ते में वो अपने पति के साथ दिख गई अब ठेके पे खड़ा हूँ इतिहास गवाह है साहब लड़कों को पहलो प्यार उनसे बड़ी उम्र की मोड़ियों से होता अंतरे हमें भी कबंग बहुत शौक है तो ब्याह को फिर हमारे दोस्त को ब्याह होगा और जो कि जीवन में रमतूला बजो सोई पूरा शौक उतर अब तो भाई भाई भी थे हम ब्याह के नाम से सपने में झटका लगा है पता आशीष शादियों में गए मेहमान को जब तक सामान चोरी न हो जाए तब तक भारत में सफल शादी नहीं मानी जाए एक बार हमारी मम्मी के पास उठा लो तो शादी में से चोर निकल
शादी होने के बाद जब फर्स्ट बार पत्नी अपने मायके जाती है तो पीछे से पति बोलता है, आके न जाते तो अच्छा था। लेकिन जब कुछ साल बाद पत्नी अपने मायके जाती है तब पीछे से पति बोलता है, तुम जो ना थे तो अच्छा था। कुछ लड़कियां ब्लॉक करके सोचती हैं, चलो छुट्टी मिली। दीदी कभी फेक आईडी का नाम सुना है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें। अर्ज किया है कत्ल ही करना था तो खंजर मार देते, कत्ल ही करना था तो खंजर मार देते। यो मूली खाकर फिजाओं में जहर घोलने की क्या जरूरत थी? कैसी लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताने हैं। का है कमेंट उत्साह बढ़ा देते हैं और हमें और ज्यादा मेहनत करने पे मजबूर कर देते हैं। तो कमेंट में जरूर बताने कैसी लगी वीडियो। और बहुत दूर दूर से कमेंटें आते हैं, कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा हो, कोई राजस्थान से देख रहा हो, और तो और कई लोग विदेशों में भी हैं, वे भी देख रहे हैं वीडियो, अपने बुंदेलखंडी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सब भी उनमें योगदान दो। और हमारा तो पता हुई है कि हम हैं हसरई से, जिला सागर मध्य प्रदेश। तो आप कहां से हो जय जरूर बताओ कमेंट में, जिसे हमारे पता चले कि कहां कहां तक वीडियो पहुंच रहे हैं, कहां तक नहीं पहुंच पा रहे, और कौन कौन लोग हैं भाषा समझ में नहीं आ पा रही, वो भी पता चले। तो फिर धीमे धीमे अपन और सुधार कर चले। बाकी आप सबको जितो आशीर्वाद है, जितो प्यार है, जितो सपोर्ट है, वो भी बहुत है, काफी है। और ऐसे ही बनाए रहो। बाकी मिल रहा है एक नए वीडियो। कल्लू की भाई अपनी मोड़ी को संभालो, देख रही है हमारे लाने।